दिल्ली से एक बेहद ही दुखद घटना सामने आई है। यहाँ एक पिता ने पहले अपने दो बच्चों की हत्या की और फिर खुदकुशी कर ली। घटना के सामने आने के बाद पूरे इलाके में सनसनी मची है। शालीमार बाग में रहने वाले शख्स का नाम मधुर मलानी है, जिसने अपने दोनों बच्चों समीक्षा और श्रेयांश की हत्या की और हैदरपुर मेट्रो स्टेशन पर चलती ट्रेन के सामने कूदकर जान दी। दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में एक दिल दहलाने वाली घटना हुई है। शालीमार बाग इलाके में रहने वाले मधुर मलानी ने अपने दो मासूम बच्चों की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद खुद भी सुसाइड कर लिया है। यही वो घर है जिसके फर्स्ट फ्लोर पे मधुर मलानी अपने परिवार के साथ रहते थे। तकरीबन 7 बजे के आसपास की घटना है, जब उनकी पत्नी घर से बाहर गई हुई थी, तभी उन्होंने अपने मासूम 6 साल के बेटे और 14 साल की बेटी की गला घोटकर हत्या कर दी और उसके बाद से घर से गायब थे। जब पुलिस की को घटना की जानकारी मिली, लेकिन थोड़े ही देर बाद पुलिस को जानकारी मिली कि मेट्रो स्टेशन पे एक लाश मिली है जो जिसकी पहचान मधुर मलानी के रूप में हुई। जब सुसाइड की घटना को जब पुलिस ने तस्दीक किया, तब जानकारी मिली कि मधुर मलानी ने भी घटना को अंजाम देने के बाद खुद सुसाइड कर लिया है। पूरी घटना के बाद इलाके में सनसनी फैली हुई है, इलाके में मातम पसरा हुआ है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, चूंकि इसी घर के फर्स्ट फ्लोर पे मधुर मलानी अपने परिवार के साथ रहते थे। बताया ये जा रहा था कि मधुर मलानी पिछले काफी दिनों से डिप्रेशन में चल रहे थे।